बिस्मिल्ल रन रही असल उम्मीद करते हैं आप सब हरिये से होंगे चूहा उन जानवरों में शामिल है जिनको कत्ल करने का रसूल अल्ला वसल्लम ने हलो हरम और हर जगह हुक्म दिया है फिसक के लगवी मानी अतास से निकल जाने के हैं और इसी वजह से आसी को फासक कहते हैं फवासिक में चूहे के अलावा और भी मुतद जानवर हैं, जैसे सांप बिच्छू वगैरह इन जानवरों को इनकी हबासत की वजह से फवासिक कहा जाता है दूसरी वजह तस्मिया यह है हलो हलोहरम में इनकी हरमत खत्म हो गई। इस वजह से इनको फवासिक कहा जाता है तीसरी वजह यह है कि चूहों ने अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी इमाम तहावी रहमत अलैह ने अहकाम कुरान में यजीद बिन नबी नईम की सनद से लिखा है उन्होंने अबू सईद हदरी रज़ी तु से दरियाफ़ किया के चूहे को वबिसका क्यूँ कहा जाता है उन्होंने जवाब दिया कि एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बिदार हुए तो देखा कि चूहे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग लगाने के लिए चिराग की बत्ती उठा रखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठा कर मार डाला और महरम और हलाल हर शख्स के लिए इसका मार डालना मुबाह करार दे दिया सुनन अबी दाऊद में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तु से मरवी है एक मरतबा चूहे ने आकर चुरा की बत्ती अपने मुंह में ले ली और उसको लेकर हजूर वसल्लम के सामने मुसल्ला पर जिस पर आप तशरीफ फरमाते माथे डाल दिया जिसकी वजह से मुसल्ला का वो हिस्सा जिस पर आप सजदा किया करते थे बदर एक दिरहम जल गया हाकिम ने हजरत इबन एक मरतबा चूहा आया उसने चुरा की बत्ती मुँह में उठा ली एक लोंडी चूहे को झिड़कने लगी मगर आप सल्हम ने उसको मना कर दिया चूहे ने वो बत्ती लेकर उस मुसल्ला पर जिस पर आप सह व्म तशरी फरमाते ला कर डाल दी जिससे मुसल्ला बकदर एक दिरहम जल गया हजूर ने सत फरमाया जब तुम सोने का इरादा करो तो चिराग बुझा दिया करो क्योंकि शैतान इन जैसों को यानी चूहों को ऐसे काम करने की रुगबत दिलाता है ताकि तुमको जला दे हजूर सल्हसम ने हुक्म दिया है सोते वक्त आग बुझा दिया करो और इसकी वजह ये बयान फरमाई है वविस्का यानी चूहे घर में आग लगा कर घर वालों को जलाना चाहते है ये हदीस सही उलसनाद है सही मुस्लिम और दीगर कुतब हदीस में मरवी है कहते हैं कि चूहे से ज्यादा मुफ़स़द कोई जानवर नहीं जो चीज़ बिन के सामने आती है उसको तलब कर देते हैं यानी खराब कर देते हैं इसकी हिलासाज़ी का ये आलम है कि जब ये किसी ऐसी तेल की बोतल या बर्तन के पास आता है जिसमें इसके मुंह की रसाई नहीं हो पाती तो ये उसमें अपनी दुम डालकर तेल में तर कर लेता है और फिर उसको चूस लेता है और इस तरह ये तमाम तेल खत्म कर देता है हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तु फरमाते हैं कि हजरत नाम ने दो साल में अपनी कश्ती को तैयार किया और इस कश्ती का तूल तीन सौ हाथ के बकदर और अरज पचास हाथ और बुलंदी तीस हाथ थी यह कश्ती साज की लकड़ी से बनाई गई थी और इसमें आप ने तीन मंजिलें बनाई थी नीचे की मंजिल में जंगली जानवर दरिंदे और हशरातल अरज को रखा गया था और दरमिया मंजिल में सवारी के जानवर और चुपाए थे और ऊपर वाले हिस्से में हजरत स्लम अपने मोतबीन और समान जरूरत के साथ तशरीफ फरमा थे बाज़ मौरखीन का ख्याल है की निचले हिस्सा में जानवर दरमियानी दर्जा में इंसान और ऊपर के दर्जे में परिंदे थे जब कश्ती में बहुत ज्यादा गोबर और लीद वगैरह जमा हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत हजरतन को हुक्म दिया कि हाथी की दुम को दबाओ चनाचे हजरतन ने ऐसा ही किया जिसके नतीजा में एक नर सूर और एक मादा सूर बरामद हुए चनाचे उन दोनों ने निकलते ही कश्ती में मौजूद तमाम गलाजत को खा कर साफ कर दिया इसी तरह जब चूहा कश्ती के किनारा पर आकर उसके लंगर की रस्सियों को काटने लगा तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि शेर की दोनों आँखों के दरमियान चोट मारे चिनाचे हजरत नू अस्म ने ऐसा ही किया जिससे एक बिल्ला और एक बिल्ली निकली और इन दोनों ने चूहे पर हमला करके उसको रस्सी काटने से बाज रखा बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू हरारा रजी अल्लाह तवाए थे रसूल अला वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल की एक कौम गुम गई कुछ मालूम न हो सका कि उनका क्या अंजाम हुआ बस उस मकाम पर सिर्फ चूहे नजर आते थे और उन चूहों का ये हाल था कि जब उनके सामने ऊटनी का दूध रखा जाता तो उसको नहीं पीते थे मगर जब बकरी का दूध उनके सामने रखते थे तो उसको पी लेते थे इमाम नबी रले फरमाते है चूँकि बनी इसराइल पर ऊंट का गोश्त और दूध हराम था और बकरी का दूध और गोश्त हलाल थे इसलिए उन चूहों का ऊँटनी के दूध से एराज यानी बचना और बकरी के दूध को पी लेना इस अमर की दलील है कि चूहे बनी इसराइल की मसह शुदा कौम थी